इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि भाई ट्वेल्थ के बाद हम पैरामेडिकल की फील्ड में जाए, भाई ऐसे कौन से कोर्सेज है, तो भाई चलिए देखते हैं कौन से ऐसे कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो भाई पहला है हमारा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो भाई अगर आप जाना चाहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए तो भाई आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके अगर कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूं गाइस, तो 3 to 5 years का कोर्स ड्यूरेशन है, तो काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। भाई नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा बैचलर ऑफ फिजिकल और फिजियोथेरेपी। भाई अगर फिजिकल फिजियोथेरेपी जो है वो दोनों एक ही वर्ड है गाइस, तो जो है आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। सेम इसका कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 to 5 years का कोर्स ड्यूरेशन है गाइस। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अगर आपको नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में इंटरेस्ट है गाइस, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 5 years का कोर्स ड्यूरेशन है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, नेक्स्ट है हमारा बीएससी रेडियोग्राफी। तो भाई बीएससी रेडियोग्राफी, अगर रेडियोग्राफी में आपको इंटरेस्ट है तो गाइस आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है गाइस। तो गाइस इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है थोड़ा कम है, क्योंकि भाई हम जो है पैरामेडिकल के लिए देख रहे हैं, तो पैरामेडिकल के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है। तो लाइक आप 3 to 5 साल के कोर्सेज भी इसमें परस्यू कर सकते हैं, उसके अलावा आप 3 years के कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। तो भाई बीएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी भी आप कर सकते हैं, इसका भी कोर्स ड्यूरेशन 3 years का है, तो भाई आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो गाइस ले सकते हैं। इसके बाद जो कोर्सेज है वो है हमारे बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन। तो गाइस इतने में ही ये रुक नहीं जाता है, इसके और भी ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूं। भाई इसके बहुत सारे कोर्सेज है, पैरामेडिकल जितना बड़ा नाम है उतने ही इसमें कोर्सेज अलग अलग है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन। भाई न्यूक्लियर मेडिसिन, इसका भी कोर्स ड्यूरेशन 3 years का है। उसके बाद है हमारा बीएससी ऑप्थेल्मिक थेरेपी। भाई ऑप्थेल्मिक थेरेपी में अगर आपको जाना है तो भाई उसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 3 years का। ऑप्थेल्मिक थेरेपी भी काफी इंपॉर्टेंट एक कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो काफी आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा मैं कहूंगी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करूंगी गाइस, तो वो है हमारा बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अगर इसके कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूंगी गाइस, तो अगेन ये 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है गाइस। अगर लैब टेक्नीशियन की जरा आप वर्क करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो भाई आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है हमारा बीएससी रेडियोथेरेपी। तो भाई बीएससी रेडियोथेरेपी अगर आप करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। भाई ये भी सेम है, 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है। तो गाइस मैं नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूंगी तो वो है हमारा बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इस कोर्स के ड्यूरेशन की मैं बात करूंगी गाइस, तो 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। भाई पैरामेडिकल फील्ड में आपके लिए काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है गाइस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं गाइस। इसके बाद बात करूंगी मैं नेक्स्ट की, तो वो है हमारा बीएससी रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी। अगर आप रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। सेम इसका 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है गाइस। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी नेक्स्ट की, तो वो है हमारा बीएससी डायलिसिस थेरेपी। डायलिसिस थेरेपी में अगर आप वर्क करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो अगर कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूंगी गाइस, तो 3 years का इसका कोर्स ड्यूरेशन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कोर्स की मैं बात करूंगी भाई, बीएससी नर्सिंग। भाई बीएससी नर्सिंग की कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूंगी गाइस, तो 4 years का कोर्स ड्यूरेशन है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट कोर्स की मैं बात करूं तो वो हमारा बीएससी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। भाई बीएससी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए आपको देने होंगे 3 साल, मिनिमम आपको 3 साल देने होंगे, क्योंकि उस कोर्स का ड्यूरेशन ही 3 साल का है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, काफी अच्छा कोर्स है अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो। इसके बाद है हमारा डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। भाई अभी तक जो डिग्री के चल रहे थे कोर्सेज, अब भाई डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप पैरामेडिकल में। भाई डिप्लोमा भी अलग अलग कोर्सेज से आप कर सकते हैं, जैसे ये है भाई डायलिसिस टेक्नोलॉजी, हमने यहीं पे बीएससी डायलिसिस थेरेपी किया था, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं इसमें। और जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है मिनिमम। पैरामेडिकल में आप जितने भी डिप्लोमा देखेंगे गाइस, 2 ईयर
इयर्स का होंगे, मतलब आपको सिर्फ हमने 2 साल देने हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वो है हमारा डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। भाई नर्सिंग केयर असिस्टेंट की तरह वर्क करना है उसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं गाइज, पर इसका भी कोर्स ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स का। तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी डिप्लोमाज होते हैं वो 2 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन के होते हैं, तो गाइज भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमा इन हेयर लैंग्वेज एंड स्पीच। हेयर लैंग्वेज एंड स्पीच में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, इसका भी कोर्स ड्यूरेशन है गाइज 2 ईयर्स का है। उसके बाद है भाई डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिग्री भी कर सकते हैं आप ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में, उसके बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में, इसका भी कोर्स ड्यूरेशन है 2 ईयर्स का गाइज। उसके बाद है भाई हमारा डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। भाई एक्सरे टेक्नोलॉजी में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अगर आपको एक्सरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन चीजों में आपको इंटरेस्ट है, करने में अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। इसका भी कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स का है गाइज। उसके बाद है हमारा डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। भाई डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट भी आप कर सकते हैं, मतलब काफी अच्छे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है गाइज। उसके बाद है हमारा डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। भाई जो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी होती है उसमें अगर आप वर्क करना चाहते हो भाई आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है भाई, क्योंकि सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स कैरी करना भाई, उसको संभाल के वो करना, मैनेज करना, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, काफी अच्छा कोर्स है भाई। इसके कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, तो गाइज आपके लिए काफी हेल्प होने वाली है। तो गाइज ये है हमारे व्हाट टू डू आफ्टर 12th इन पैरामेडिकल स्ट्रीम गाइज। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह कुछ और नए वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे गाइज। बाय बाय, टेक केयर, सी या। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.